हाय गाइस, वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स विद सुखदीप। आज मैं बनाने वाली हूँ दही वाली अरबी। अगर आप इस वीडियो को आज पूरा देखोगे तो आप नेक्स्ट टाइम जो अरबी बनाओगे इसी स्टाइल से बनाना प्रेफर करोगे। तो चलिए आपको बताती हूँ कैसे बनाई जाती है ये दही वाली अरबी। तो गाइस, सबसे पहले मैं दही वाली अरबी बनाने के लिए इसको अरबी को बॉईल करना है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, उसको गैस पे रख दिया है, साथ में नमक डाल दिया है और साथ में ही मैं डाल दूंगी आधा किलो अरबी है ये मेरी, इसको मैंने छीला हुआ है अच्छे से और धो के मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है पानी के अंदर। अब इसको आपको ऐसे मिक्स कर देना है और बॉयल करना है 5 to 6 मिनट्स के लिए। तो जब ये बॉयल हो जाएगी तो हम इसको छन्नी से ड्रेन कर देंगे, पानी इसका फेंक देंगे। तो देखो ये अच्छे से बॉयल हो चुकी है, मैंने गैस को कर दिया है बंद। अब मैं इसको छान लेती हूँ। छानने के बाद इसका हम मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए सबसे पहले, क्योंकि दही वाली अरबी है तो दही तो डलेगा ही, तो मैंने ले लिया है 1 बाउल दही का, उसके अंदर नमक, थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच जो है धनिया पाउडर डाला है मैंने, और आधा चम्मच आपको डालनी है लाल मिर्ची। लाल मिर्ची चाहे आप देगी मिर्ची भी डाल सकते हो या फिर नॉर्मल रेड चिली भी डाल सकते हो, रेड चिली पाउडर। और अब इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। इन मसालों को मिक्स करने से दही के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी के अंदर, और इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दही की कोई फुटकड़ी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारा दूसरा मसाला रेडी होगा गैस पे, तब तक हम इसको साइड पे रख देंगे, जिससे कि हमारा जो धनिया है वो फूल जाएगा और ये और थिक बन जाएगा कर्ड। अब मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पे, उसमें डाल दिया है तेल और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 पिंच हींग। हींग जब थोड़ी सी फटने लग जाए तो इसके अंदर डालूंगी आधा चम्मच जीरा। जीरा भी आपको इसके अंदर हींग के साथ रोस्ट करना है। उसके साथ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच मेथी दाना, साबुत मेथी दाना डालना है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए, जस्ट 15 सेकंड्स के लिए इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे और रोस्ट कर लेंगे तेल के अंदर। अब मैंने जो है प्याज वो ग्राइंड कर लिए हैं, ये 1 प्याज लिया था छोटा, आप चाहो तो प्याज इग्नोर भी कर सकते हो, तो मैंने लिया है, बट क्योंकि हमें अच्छा लगता है प्याज इसके अंदर तो डाल दिया मैंने। ये प्याज भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको ज़्यादा आपको ब्राउन नहीं करना प्याज को, जस्ट आपको 1 मिनट तक ही भूनना है। 1 मिनट तक भूनते जाएंगे इसको हम अच्छे से, तो आपको ऐसे सारा हिलाकर इसको भूनते जाना है। जो है प्याज 1 मिनट हो गया, अब मैं इसके अंदर डालूंगी बॉइल्ड अरबी। इस बॉइल्ड अरबी को भी इसके साथ ही भूनूंगी ताकि ये थोड़ी सी जो है सौते हो जाए, हल्की हल्की फ्राई हो जाए प्याज के साथ ही। इसको भी ऐसे डाल के मिक्स कर लेंगे और इसको आप 4 या 5 मिनट तक भून सकते हैं, तब तक थोड़ी सी ब्राउन ना हो जाएगी, हल्की हल्की ब्राउन होनी चाहिए। आप इसको ऐसे हिलाकर भूनते जाएं। ये देखो ये अरबी थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, दैट मींस ये डन है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर। टमाटर की मैंने जो है प्यूरी बना ली है, ये 1 छोटा टमाटर लिया था मैंने, साथ में ले ली थी 2-3 हरी मिर्चें और साथ में ही थोड़ा सा अदरक, इसका पेस्ट बना के मैंने इसके अंदर डाल दिया है और उसको भी मैं इसके साथ मिक्स कर लूंगी। और इसी के साथ ये थोड़ा सा साथ में और मैं फेंट रही हूँ दही को, और फेंट कर दोबारा से मैं इसके अंदर डाल दूंगी इसी तड़के के अंदर दही को। अब सारे मसाले तो हमने डाले ही हुए हैं दही के अंदर, तो हमने अब कोई मसाला नहीं डालना, प्याज वगैरह के अंदर कोई भी मसाला नहीं डालना, बस अब हम इसको सिंपल मिक्स कर देंगे और इसको भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे, क्योंकि दही है तो दही जो है दही के अंदर बहुत अच्छा एक रोगन आता है सब्जी के अंदर डालने से, तो ये ज़्यादा तेल छोड़ती है सब्जी और इसका फ्लेवर भी दुगना हो जाता है सब्जी का। तो इसको ऐसे मिक्स कर लेना आप। अभी मैंने इसको एक बार भी ढका नहीं है, बस इसको ऐसे भूनना है अभी 5-10 मिनट के लिए, जब तक ये तेल ना छोड़े।
थोड़ा थोड़ा जब तेल छोड़ने लगे तो इसमें मैंने डाल दी आधा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को दोनों हाथों में क्रश करके डालेंगे और इसको भी इसके साथ हम मिक्स कर देंगे। अब जैसे ही आपको पता है इसने तेल छोड़ दिया है तो मैंने इसमें डाल दिया है 3 ग्लास पानी। पानी ऊपर से मैं इस करके डाल रही हूँ ताकि अरबी जो है हमारी अच्छे से गल जानी चाहिए। और इसको हम लिड लगा देंगे, ऊपर से बंद कर देंगे ताकि इसको अरबी को अच्छे से स्टीम मिल जाए और ये बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो मैंने इसको लिड कर दी, लिड लगा दी है। अब लिड को मैंने 10 मिनट बाद खोला है तो इसने भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया ग्रेवी ने। तो हमारी ये जो अरबी है ऑलमोस्ट डन है। तो मैं इसको चम्मच से थोड़ा सा दबा के देख लूँगी अरबी को निकाल के। तो ये गल गई है तो हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच। और आपको पता ही आधा चम्मच गरम मसाला डालने के बाद हमने इसको ढक देना है। फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर हरा धनिया। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो देखो कितनी अच्छी बनी है लटपटी अरबी। बस ये सिंपल सी ही रेसिपी है। हो गई हमारी दही वाली अरबी रेडी जल्दी जल्दी से। तो आप ये सब्जी लंच या डिनर में बना सकते हो। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपकी ये सब्जी कैसी बनी। गाइस कैसी लगी आपको ये दही वाली अरबी की रेसिपी? है ना बिल्कुल डिफरेंट। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपीज के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय।